नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ओआरओपी के ऐलान के बावजूद पूर्व सैनिकों में से लेकर असंतोष था और इसे लेकर एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या कर ली, जान दे दी। आपको बता दें, सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने खुदकुशी की। जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन ओआरओपी को लेकर जो असंतोष था, कम पेंशन मिलने से नाराज थे और इसी नाराजगी को लेकर जंतर मंतर पर लगातार बैठे हुए थे पूर्व सैनिक, लेकिन कल उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पूर्व सैनिक के परिवार से मुलाकात करेंगे। अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिकों का यह आंदोलन जारी है, लेकिन मंगलवार को इस आंदोलन में एक पूर्व सैनिक ने खुदकुशी की। रामकिशन ग्रेवाल इनका नाम है। सोमवार से अपने कुछ साथियों के साथ ओआरओपी को लेकर ये जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। परिवार का ये कहना है कि मंगलवार दोपहर रामकिशन अपने साथियों के साथ रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। रामकिशन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रक्षा मंत्री को देने वाले ज्ञापन पर ही रामकिशन ने सुसाइड नोट लिखा और उन्होंने अपना संतोष इस सुसाइड नोट में भी जाहिर किया कि कम पेंशन मिलने से उनके परिवार का गुजारा चलना मुश्किल है, और ये कहते हुए उन्होंने जहर खाकर रास्ते में ही जान दे दी। जबकि रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करने जा रहे थे, उन्हें ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार से मिलने पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया इस मामले को लेकर, और यह खबर अपने आप में एक ऐसे समय में आई है जब दिवाली के बाद प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचे थे दिवाली के दौरान, और उन्होंने वहां पर भी इस बात का ऐलान किया था कि सैनिकों को ध्यान में रखते हुए, सैनिकों की मांग का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने ओआरओपी को मंजूरी दी है और इसे अलग अलग स्टेजेस में, प्रोसेस में रिलीज किया जाएगा, जो पैसा जारी करना है। लेकिन सरकार के इस आश्वासन पर भी भरोसा नहीं जताया, असंतोष जाहिर किया और पूर्व सैनिक ने खुदकुशी की कोशिश की और उसके बाद जहर खाया, उनकी जान चली गई, उन्हें इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका। पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर, उसके उसमें ये कुर्बानी दे बैठे, जैसे शहीद हो गए जी देश के लिए। आपको कब पता चला, क्या किया था, कब पता चला आपको इस बारे में? हमें फोन आया जी, फोन सुनते ही हम घर से दौड़ पड़े, पूरा परिवार दौड़ पड़ा जी। हमारा पिताजी देश के लिए शहीद हो गया। हम देश के लिए ऐसा ना हो कि और कोई सरकार को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा ऐसे कोई घटना ना हो। परिवार गम में, मातम में ये बताते हुए कि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो, सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए, तकलीफ अपनी यहाँ पर जाहिर करते हुए। हरियाणा के रहने वाले थे पूर्व फौजी रामकिशन सिंह, सूबेदार। पिछले कुछ वक्त से जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठे थे अपने कुछ साथियों के साथ ओआरओपी मसले को लेकर, और इसी को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया था रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को, वो सौंपने के लिए निकले भी थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने जहर खा लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया और लिखा कि मोदी राज में किसान और जवान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं, तो अब केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया जिसमें किसानों का जिक्र किया, जवानों का जिक्र किया और कहा कि दोनों आत्महत्या करने को मजबूर हैं मोदी राज में। और खबर यह भी है कि केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको